Hello everyone, welcome back to our channel Edu Ethics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shirja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. और आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स लेक्शन टू इन विसेज. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रिंकिन मतलब क्या होता है. What do you mean by ट्रिंकिन? तो ट्रिंकिन एक वर्ब है और इसका मतलब है टू ड्रिंक. नाउ मॉस्टिन मीन्स लाइक टू टेक. ओके, नाउ एज मीन्स आई, डू मीन्स यू, ही एस, ही एस मीन्स ही इट, विल मीन्स वी, इर मीन्स यू, राइट, सी मीन्स शी. ओके ओके, अब देखते हैं इट. अब वर्ड मीनिंग्स हम करेंगे. सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट मीन इट वाज को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब समथिंग को जर्मन में हम इट वाज बोलते हैं और इट वाज को इंग्लिश में हम समथिंग बोलते हैं. यानी कि इट वाज मतलब होता है समथिंग. फ्रो, एफ आर ए यू, फ्रो यानी कि मिस, मिसेस या वूमैन. ओके, हेर मतलब मैन या फिर मिस्टर. डू डिड यानी कि यू. ऑफ ऑफ गेबिन, ऑफ गेबिन यानी कि वर्क और असाइनमेंट. वर्क और असाइनमेंट. हाउस ऑफ गेबिन यानी कि होमवर्क. हाउस देखिए एच ए यू एस, इसका मतलब क्या होता है होम. ठीक है, और हमने देखा गेबिन, गेबिन मतलब क्या होता है वर्क यानी कि होमवर्क अगर हम इसको जोड़ दें. ठीक है, देन बिट, बिट बिट मतलब होता है प्लीज, राइट. तो जैसे हम बोलते हैं बिट, लिटिल बिट, सो आप ऐसे याद रख सकते हैं प्लीज प्लीज. देन एहनन, एहनन मीन्स यू, एच आई एच एन ई एन, एहनन मीन्स यू. अब हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं इससे रिलेटेड. हाँ, जैसे कि हमने हाउस गेमिन ये तो कर लिया, लेकिन ये लेमोनेड ये सब आप लोग को कन्फ्यूजन होगी, तो हम पहले सारे वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं. ठीक है, तो गुड मतलब होता है गुट यानी कि गुट मतलब गुड. गुट एक जर्मन वर्ड है. सेयर गुट, देखिए सेयर गुड मतलब क्या होता है वेरी गुड. निश्च सो गुड, नॉट सो गुड. स्केलेक्ट मीन्स बैड. से स्केलेक्ट मीन्स वेरी बैड. निश्च स्केलेक्ट मीन्स नॉट बैड. टी मीन्स टी. कैफी, कैफी मीन्स कॉफी. कोला मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक. मिल्च मीन्स मिल्क. वसर मीन्स वाटर. मिनरल वसर मीन्स मिनरल वाटर. लेमोनेड मीन्स लेमोनेड और लेमन जूस, राइट. एंड सॉफ्ट मीन्स जूस और लिक्विड, बट यू हैव टू जस्ट राइट जूस. ऑरेंज सॉफ्ट मीन्स ऑरेंज जूस. ग्लास मीन्स ग्लास. डोस मीन्स टिन कैन. टस मीन्स कप. Flashy means bottle. Was a flashy means water bottle. Okay, अब चलिए करते हैं question and answers. We gets did. Now we मतलब क्या होता है how. Gets मतलब are. Did या do मतलब you. So what we have to write? Mil gets got. Mil मतलब I. Gets मतलब gets मतलब you know. एम आर इज एम आर ये सब. ठीक है,
सो गेट्स मतलब इज आर एम है ना, तो गेट्स मतलब मेर गेट्स कुट आई एम कुट ओके. देन वी गेट्स इन एन वी मतलब हाउ, गेट्स मतलब अगेन आर, इन एन मतलब यू, हाउ आर यू, मेर गेट्स कुट आई एम गुड. वॉज मॉस्टेस्ट डू ड्रिंकिंग, अब जब मॉस्टेस्ट मतलब होता है वुड यू, वुड यू लाइक ठीक है. सो वॉज मतलब वॉट, वॉट वुड यू लाइक टू ड्रिंक. इच मॉस्टी लेमोनेड, लेमोनेड ड्रिंकिंग आई वुड लाइक टू ड्रिंक लेमोनेड. मॉस्टेस्ट डू कैफे ड्रिंकिंग, वुड यू लाइक टू ड्रिंक कॉफी. तो अगर आप हाँ में बोल रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, जा इच मॉस्टे आई वुड लाइक टू ड्रिंक कॉफी, जा इच मॉस्टे कैफे ड्रिंकिंग ठीक है. जैसे कि इंग्लिश में अगर हम देखें तो ड्रिंक के बाद कॉफी है, या फिर ड्रिंक के बाद टी है, या फिर ड्रिंक के बाद लेमोनेड है. लेकिन जर्मन में ट्रिंकिंग से, ट्रिंकिंग मतलब ड्रिंक होता है राइट, ट्रिंकिंग से पहले कैफी है, या फिर जो भी पीने की चीज़ है राइट, चाय कॉफी जो भी है. देन नीन नीन इच मोस्ट टी ड्रिंकिंग, नो आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी. चलिए सो इतने ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, थैंक यू.